गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 99 के ऊपर करेंगे। उसमें है फिल इन। आपको यहाँ पे ये जो दिया है इसको क्या बोलते हैं, एबकस। तो देखो यहाँ पे वंस, टेंस एंड हंड्रेड, ऐसे अलग अलग देखो यहाँ पे दिया है। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिया हंड्रेड, हंड्रेड में कितने हैं एबकस में, देखो ये वन है तो आपको क्या लिखना है, वन। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, टेंस। टेंस मतलब टेन, ट्वेंटी, थर्टी, जे जो है ना वो। तो यहाँ पे देखो वन टू थ्री, तो यहाँ पे थ्री टेंस। प्लस अब देखो वंस लिखा है, तो वंस में कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे क्या है फाइव, तो ये कितना होगा, वन हंड्रेड थर्टी फाइव। और नीचे आपको क्या लिखना है उसका स्पेलिंग, वन हंड्रेड जैसे बोल रहे हैं तो वन हंड्रेड एंड इसको क्या बोलते हैं थर्टी फाइव, तो आपको किसका स्पेलिंग लिखना है थर्टी फाइव। ऐसे हमें देखो नेक्स्ट दिया है, सबसे पहले ये हंड्रेड, तो हंड्रेड में देखेंगे कितना है, ये वन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे वन। अब देखो ये टेंस है, तो टेंस में कितने हैं, वन है, तो यहाँ पे आपको लिखना है वन। अब देखो ये वंस है, तो ये देखो यहाँ पे वंस लिखा हुआ है, तो इसमें कितने हैं, वन टू थ्री, तो यहाँ पे आपको लिखना है थ्री। तो अब देखो ये कितना हो गया, टेंस मतलब टेन है, तो ये वन वन एंड थ्री, वन वन एंड थ्री, अब इसको क्या बोलते हैं, वन हंड्रेड थर्टीन। ये वन थ्री कितना होता है, थर्टीन, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन हंड्रेड थर्टीन। तो आपको यहाँ पे इसका स्पेलिंग लिखना है साथ में, ओ एन ई वन एच यू एन डी आर ई डी, हंड्रेड जैसे हम बोलते हैं वैसे ही आपको लिखना है। वन हंड्रेड बोल रहा है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, वन हंड्रेड। उसके बाद ये दोनों को वन थ्री, इसको क्या बोलते हैं थर्टीन, क्या बोलते हैं थर्टीन, तो आपको यहाँ पे किसका स्पेलिंग लिखना है, थर्टीन का लिखना है, टी एच आई आर टी डबल ई एन थर्टीन। आपको वन थ्री ऐसे नहीं लिखना है, हमें ये दोनों को साथ में देखना है और लिखना है। देखो तो क्या हो गया, वन हंड्रेड थर्टीन। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हंड्रेड्स में कितना है, वन है, तो यहाँ पे लिखेंगे वन। टेंस में देखेंगे वन टू थ्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे थ्री। अब वंस में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे आएगा सिक्स, तो ये टोटल अब इसको क्या बोलेंगे, वन हंड्रेड थर्टी सिक्स। ये कितना हुआ, वन हंड्रेड थर्टी सिक्स, तो आपको इसका स्पेलिंग लिखना है, वन हंड्रेड का ओ एन ई वन, हंड्रेड एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड, ये थ्री सिक्स क्या बोलते हैं थर्टी सिक्स, तो टी एच आई आर टी वाई थर्टी एस आई एक्स सिक्स, वन हंड्रेड थर्टी सिक्स। ऐसे नेक्स्ट दिया है हमें, हंड्रेड्स में कितना है, वन, तो लिखेंगे वन। टेंस में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे आएगा सिक्स। वंस में वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे आएगा फाइव, तो ये क्या है, वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव, क्या बोलते हैं इसको, वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव, तो इसका स्पेलिंग ओ एन ई वन एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड, ये क्या है सिक्सटी फाइव, तो उसका स्पेलिंग एस आई एक्स टी वाई सिक्सटी एफ आई वी ई फाइव, वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव। ऐसे नेक्स्ट देखो हंड्रेड्स में वन है, तो यहाँ पे लिखेंगे वन, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो आपको क्या लिखना है जीरो। अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वंस में कितने एट, तो ये वन जीरो एट, मतलब क्या हो गया, वन हंड्रेड एट, तो आपको स्पेलिंग लिखना है ओ एन ई वन एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड, ये एट है, बोलते कैसे हम, वन हंड्रेड एट, तो स्पेलिंग क्या होगा एट, वन हंड्रेड एट। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हंड्रेड्स में वन है, तो यहाँ पे लिखना है हमें वन। टेंस में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ पे आएगा सेवन, यहाँ पे है वंस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा ज़ीरो। अब इस ये क्या हो जाएगा, वन सेवन ज़ीरो, कितना हो गया, वन हंड्रेड सेवेंटी, तो हमें स्पेलिंग लिखना है ओ एन ई वन एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड सेवेंटी एस ई वी ई एन टी वाई सेवेंटी। नेक्स्ट है हंड्रेड्स में वन है, तो लिखेंगे वन। टेंस में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहाँ पे आएगा एट। वंस में वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये कितना हो जाएगा, वन हंड्रेड एटी फाइव, तो हम स्पेलिंग में जैसे बोल रहे वन हंड्रेड बोल रहे हैं, तो पहले वन हंड्रेड का स्पेलिंग एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड।
ये क्या बोलते हैं 8585, तो उसका स्पेलिंग EIGHTY 85, तो FIVE। अब नेक्स्ट दिया है हमें राइट इन द शॉर्ट फॉर्म, ऑल्सो राइट द नंबर नेम। आपको यहाँ पे देखो लॉन्ग फॉर्म में दिया हुआ है, उसको किस में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में, और साथ में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, उसका स्पेलिंग भी लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है आपको जीरो और ये प्लस क्या करना है, निकाल देना है। फर्स्ट फर्स्ट नंबर लेना है 1, 2 एंड 3, तो ये कितना हो गया 123। तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिखना है उसका ONE HUNDRED 100, 2, 3 क्या होगा 23, तो 23। ऐसे नेक्स्ट देखना है ये वन और ये ज़ीरो, 110। शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है आपको, ये ज़ीरो और प्लस है वो निकाल देना है। सब में फर्स्ट फर्स्ट नंबर लेना है, तो इसमें फर्स्ट नंबर ये है, इसमें ये हो रही है, इसमें तो एक ही है, तो आपको लास्ट में ये लेना है। अब ये कितना हो गया 110, तो आपको उसका स्पेलिंग लिखना है ONE HUNDRED 1, 0, 10, तो यहाँ पे आएगा 10। ऐसे नेक्स्ट दिया है सब में 1, 0 और 8, फर्स्ट फर्स्ट नंबर लेना है, तो ये क्या हो गया 108। इसमें आपको 0 और प्लस नहीं लेना है, सिर्फ ये फर्स्ट नंबर 1, 0 और 8, तो इसको क्या बोलते हैं 108। तो स्पेलिंग ONE HUNDRED 100, ये 8 है तो क्या आएगा 8, EIGHT 8। ऐसे नेक्स्ट दिया है 1, 3 एंड 5, तो ये फर्स्ट फर्स्ट सिर्फ आपको नंबर लेना है, कौन कौन सा, ये फर्स्ट फर्स्ट 1, 3 एंड 5, 0 प्लस आपको निकाल देना है 1, 3, 5, तो ये कितना हो गया 135। तो ये आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिखना है ONE HUNDRED 135, तो THIRTY FIVE 35। ऐसे नेक्स्ट दिया है तो 1 इसमें से फर्स्ट नंबर, इसमें से फर्स्ट नंबर और ये 2, 142, तो कितना हो गया 142। तो ONE HUNDRED 100, 42 कितना होगा 42, FORTY 40 TWO 2, 142। तो आपको देखो ये सब में ऐसे ही करते जाना है, यहाँ पे नंबर लिखना है उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखना है और यहाँ पे उसका स्पेलिंग, तो आपको ये नीचे वाला है आपको खुद को करना है। अब नेक्स्ट दिया है हमें कंटिन्यू द पैटर्न, तो देखो 140 है, 141, 142, तो कितना आएगा उसके पास, उसके बाद 143, 144, हम आए कंटिन्यू जाना है 145, 146, 147, 148 एंड 149। अब नेक्स्ट देखो 161, उसके बाद क्या है 62, उसके बाद 63, तो 63 के बाद क्या आएगा 164, नेक्स्ट 165, 166, 167, 168, 169 एंड 170। आपको जैसे नंबर दिया वैसे कंटिन्यू आपको लिखते जाना है। अब देखो ये है 153, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 52, 51, तो आपको कैसे बैकवर्ड मतलब वैसे पीछे पीछे जाना है, 51 के पहले क्या आता है 150, उसके पहले 149, 148, आपको ऐसे पीछे पीछे जाना है, उसके 148 है उसके पहले क्या आता है 147, 146, 145 एंड 144। ऐसे आपको पीछे पीछे जाना है, ऐसे देखो 53, 52, 51, ऐसे यहाँ पे 121, नेक्स्ट डायरेक्ट आपको कौन सा दिया है 23, तो बीच में कौन सा नंबर नहीं है 22, तो आपको 11 नंबर स्किप करते जाना है। अब देखो 25 है तो 26 नंबर हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 127। अब 28 हमें क्या करना है, स्किप करना है, नहीं लिखना है, तो क्या आएगा 129। अब 129 के बाद कौन सा 130 नंबर हमें नहीं लिखना है, कौन सा लिखेंगे 131। अब 32 नहीं लिखेंगे,
डायरेक्ट कौन सा आएगा 133। आपको क्या करना है, इसमें वन वन नंबर लेफ्ट करते जाना है। 33 के बाद ये कौन सा 34 नहीं आएगा, कौन सा आएगा 135। 36 नहीं आएगा 137। 38 नहीं आएगा, कौन सा आएगा 139। ऐसे आपको देखना है बीच में गैप है वन नंबर का, तो आपको यहाँ पे वन वन नंबर छोड़ के स्किप करके लिखना है। अब हमें नेक्स्ट दिया है, राइट इन द लॉन्ग फॉर्म ऑल्सो राइट द नंबर नेम। अब हमने जो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा। आप देखो यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म है, मतलब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया है, इसको बोलते क्या 125। तो देखो 100 बोल रहे तो सबसे पहले 100 प्लस, ये टेंस का है तो मतलब मैंने सिखाया था टेंस है तो 20 30 40 ऐसे, तो इसके साथ एक जीरो लगाना है आपको। और ये वंस मतलब अकेला ही रहेगा ये वाला नंबर, तो क्या रहेगा यहाँ पे 5 का 5। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका स्पेलिंग लिखना है, नंबर नेम मतलब आपको ये जो भी नंबर है ये 125 है तो उसका स्पेलिंग लिखना है। नेक्स्ट अब देखो क्या दिया है, वन ये किसका है 100 का है, तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें 100 प्लस। अब ये क्या है 20, तो यहाँ पे रहेगा 20 प्लस, ये क्या है ज़ीरो, कुछ है नहीं है तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे 0 का 0। याद रखना है जो यहाँ पे पहला नंबर है उसके साथ कितने 0 2 0, उसके बाद प्लस, और ये 20 का, ये 100 है मतलब 2 0, ये टेंस का है तो कितना 0 है इसके साथ 1, और ये 1 से तो ये नंबर क्या रहेगा अकेला ही रहेगा। अब देखो ये नंबर को क्या बोलते हैं 120, तो आपको उसका स्पेलिंग लिखना है ओ एन ई 1 HUNDRED 100 एंड 20, तो TWENTY 20। अब नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है 1, तो सबसे पहले कितने 0 फर्स्ट वाले के साथ 2 0, अब यहाँ पे 0 है तो क्या रहेगा 0 का 0, ये 6 है तो जो लास्ट वाला ये क्या है वंस मतलब अकेला रहेगा ये नंबर, तो यहाँ पे 6 आएगा। अब इसको क्या बोलते हैं 106, तो आपको इसका स्पेलिंग लिखना है अब ओ एन ई 1 HUNDRED 100 एन ए 6 है तो यहाँ पे आएगा 6 ऐसे। अब देखो 100 ये है तो 100 प्लस, ये 3 है तो उसके साथ कितना 0 लगाना हमें 1, 30 एन यहाँ पे 2 क्या रहेगा अकेला रहेगा। अब उसका स्पेलिंग ओ एन ई 1 HUNDRED 100 एंड TWO 2, तो ये कितना हो गया 102। ऐसे नेक्स्ट दिया है ये 100 है, 1 है तो उसके साथ 20 प्लस, ये बीच वाला जो नंबर है उसके साथ 10 प्लस, ये 5 तो क्या रहेगा 5, स्पेलिंग ओ एन ई 1 HUNDRED 100 ये 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा 5। ऐसे सब में 1 1 है तो 100 प्लस, ये बीच वाले के साथ 10 मतलब 10 हो जाएगा, 1s 10s और 100s बोल रहे हैं ना हम 100 ऐसे, ये 1 क्या रहेगा अकेला, तो स्पेलिंग क्या आएगा ओ एन ई 1 HUNDRED 100, ये क्या होता है 1 1 11, तो ELEVEN 11। नेक्स्ट ये क्या है 154, तो 100 प्लस, ये जो नंबर बीच वाला है उसके साथ 10 प्लस लास्ट वाला नंबर अकेला रहेगा, तो ये क्या होगा 154, तो आपको इसका स्पेलिंग लिखना है ओ एन ई 1 HUNDRED 100 ये 54, FIFTY 54 है तो FOUR 4। ऐसे आपको सब में करते जाना है, सबसे पहले उसका लॉन्ग फॉर्म लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखना है। अब आपको ये नीचे है वो प्रैक्टिस में करना है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे है कंटिन्यू द पैटर्न, तो पैटर्न में हमने जैसे आगे की सबसे पहले क्या है 183, ये है 184 85, तो कैसे कंटिन्यू होगा 85 के बाद क्या आता है 86, तो 186 86 के बाद 87 88 189 190 191 192, तो आपको ऐसे लिखते जाना है। अब 95 94 93, तो आपको ऐसे पीछे पीछे जाना है 92 192 191 190 189 188
187 एंड 186। तो आपको इसमें कैसे जाना था, ऐसे पीछे पीछे जाना था, बिफोर नंबर लिखना था आपको इसमें। अब देखो 171 है, ये 2 है, 3 है, तो आपको ऐसे कंटिन्यू जाना है। 73 के बाद क्या आता है, 74, तो 174, 175, 176, 177, 178, 179 एंड 180। अब देखो 90, 100 और 110, तो कितने 10 नंबर आपको, ये 10 के बाद कितना आएगा, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180। तो आपको कितने कितने ऐड करने, इसमें 10 नंबर क्या करते जाना है, ऐड करना है। तो आज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ये लॉन्ग फॉर्म लिखना है, साथ में स्पेलिंग इतना मैंने करवाया, बाकी का आपको ये प्रैक्टिस में करना है, लॉन्ग फॉर्म एंड ये शॉर्ट फॉर्म वाला भी इतना मैंने करवाया, बाकी का आपको प्रैक्टिस में करना है, ये शॉर्ट फॉर्म और स्पेलिंग। थैंक यू।